नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 की गुप्त नवरात्रि की दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधुकेटव के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनको प्रियजनों का विछोह होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं तीन प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहां सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव से मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन्य धान तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति है, उनका कुल आनंदित हो जाता है, सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्य को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसी प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्य को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सुने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर वन में चारों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यो कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रु शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और वहीं भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वहीं मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अब चलिए भक्तों 13वां अध्याय श्रवण करते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम
और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होते रहेंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत गलानी हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आशक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सार्वणिक मणु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और इस प्रकार श्रतियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात हुए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद सिंध कुंजिका स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो दुर्गा माँ की जय, काली माँ की जय, समस्त देवी देवताओं की जय हो। हर हर महादेव।